नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही चैलेंजिंग है। क्वेश्चन है, रिपीटेडली जो भी शब्द आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है उसको आइडेंटिफाई करना है। पहले काम उसको ढूंढना है, मैंने ढूंढ लिया है, मुझे लगा है रिपीटेडली। ओके, आस्किंग चिल्ड्रन टू एंगेज मीन इन्वॉल्व करना इन लर्निंग एक्टिविटीज। एक्टिविटीज अपने मन में कोई भी बना लो। आइदर टू अवॉइड, दो कारण बताए गए हैं क्यों एक्टिविटी में एंगेज करना है कोई चीज को रिपीट कर करके। टू, जहां तो अवॉइड पनिशमेंट, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि हम पेन को पनिशमेंट मीन पेन, पेन गिवन बाय अथॉरिटी ड्यू टू सम बिहेवियर। ओके, ये सारे एनिमल जो हैं, ह्यूमन बीइंग है, वो पेन को अवॉइड करना चाहते हैं। दूसरा प्रिंसिपल है कि सारे ही एनिमल ऑर्गेनिज्म प्लेयर को, हैप्पीनेस को, रिवार्ड को सीख करना चाहते हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हैं, खुशी को प्राप्त करना चाहते हैं। ये प्रिंसिपल है, ये इसमें पूछा गया है कि अगर बार बार पनिशमेंट या बार बार रिवार्ड दिया जाए तो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इंक्रीज हो जाएगी इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ओके, पहले तो ये समझ लीजिए, दो कंसेप्ट आ गए हैं, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अभी तक मैंने बताया पनिशमेंट और रिवार्ड, ठीक, पेन एंड प्लेयर। तो एक एक्टिविटी देखते हैं, मैं आपको एक फंडामेंटल रूल बताता हूं इंट्रिंसिक मोटिवेशन का, अंदर की मोटिवेशन का। जिस भी कार्य करने में आपको खुशी महसूस हो, एंजॉयमेंट हो, सेटिस्फेक्शन हो, कंटेंटमेंट हो, फुलफिलमेंट हो, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड हो, किसी भी काम करने में, ठीक है, हाँ, वो मॉरल है, इमोरल है, बाद की बात है, सोशल है, अनसोशल है, बाद की बात है। फॉर एग्जाम्पल सेक्सुअल एक्टिविटी, इंजॉयमेंट मिलेगी लेकिन वो इमोरल भी हो सकता है, मॉरल भी हो सकता है। सो यहां साइकोलॉजी पहले कंसेप्ट में सिर्फ बात करी है प्योरली विदाउट एनी एथिकल रूल कि जिस भी एक्टिविटी में किसी को इंजॉयमेंट मिलता है वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। ठीक, यहां तक समझा गया। अब हमने ये देखना है कि एक्टिविटी, मैं एक सीन दिखाता हूं आपको, आपने देखना है कि ये इंट्रिंसिक है या एक्सट्रिंसिक है। एक्सट्रिंसिक में बाहर से प्रेशर होगा, बाहर की फोर्स कहेगी कि ये काम करो, ये एक्टिविटी करो, वो करने के लिए जहां तो वो डांटेगी, पनिशमेंट हो गई, जहां वो आपको कहेगी कि ये चॉकलेट दूंगा, ये एक्टिविटी करो। अब हम देखते हैं कि आपका कंसेप्ट कितना, ये थोड़ा क्लियर हुआ, ये एक्टिविटी एक दिखाने लगा हूं, ये देखिए कि ये इंट्रिंसिक है या एक्सट्रिंसिक है। ओके, हमारे पास है एक्टिविटी, ये रही, ओह माय गॉड, आओ, यस, लेट्स सी। छोटा बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है, एक्टिविटी वो कर रहा है, स्टोन्स को ढूंढ के अपने मग में डाल रहा है, बाहर से प्रेशर लग रहा है तो वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो गई। अगर वो एंजॉय कर रहा है, फ्रीडम है उसको तो एंजॉय कर रहा है, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो गई। ये कंसेप्ट सी टेट में, नेट में आपको बार बार काम आना है, जिंदगी में भी काम आना है। इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। अगर आपको देख दिखाई दे रहा है वो एंजॉय कर रहा है, खुद सोचिए, मैंने नहीं सोचना, सोचना आपने है, मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन सामने रखनी है, इंफॉर्मेशन क्लियर करनी है, आपने खुद एनालाइज करना है। अगर एनालाइज करोगे तो आंसर तक ही नहीं सिर्फ पहुंचोगे, रीजनिंग डेवलप करोगे, रीजनिंग डेवलप होगे करोगे तो प्रॉब्लम सी टेट की नहीं, नेट की नहीं, लाइफ की भी सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो ये एक्टिविटी होगी, आपने देख लिया कि ये इंट्रिंसिक जहां एक्सट्रिंसिक था। ये आप मुझे उसमें कमेंट बॉक्स में भेजिए, आप अभी कर नहीं रहे, वो इंटरेक्ट नहीं कर रहे। ओके, तो अगली एग्जांपल हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ले रहे हैं ईशान की। ठीक, ईशान की को क्या था नेचुरल इंटरेस्ट, उसका क्या था, ये पेंटिंग बचपन में, ये कि ये उसकी जो केस स्टडी मीर खान ने की उसके घर जाके, वो सारी पिक्चर्स हैं, कितने आइडियाज हैं, कितनी इमेजिनेशन है, कितनी उसकी जो स्पेशल इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, कितनी डेवलप हुई हुई है।
तो उसका नेचुरल इंटरेस्ट है, अपने फीलिंग्स अपने इमोशंस भी इसके जरिए वो कहता है। अच्छा, लेकिन पहुंच कहाँ जाता है ये देखिए। सबसे पहले कि ईशान के लिए, ये रहा ईशान, ये रहा ईशान। ईशान के लिए दो एक्टिविटी यहां रखी हैं, एक होमवर्क है एक पेंटिंग है। होमवर्क में उसका नेचुरल इंटरेस्ट नहीं है ना, हम जानते हैं कि 95 से ज्यादा स्टूडेंट्स का होमवर्क में इंटरेस्ट नहीं होता, खास करके इंडिया में। अगर आप फिनलैंड, अमेरिका, न्यूजीलैंड में हैं तो इंटरेस्ट है, क्योंकि वहां सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म ज्यादा अप्लाई किया जाता है। अच्छा, जो पेंटिंग है, ईशान का पेंटिंग में नेचुरल इंटरेस्ट है, वो करना चाहता है। अभी हमने इमेजेस देखी है, तो वो करने के लिए उसको कोई प्रेशराइज नहीं करता था, उसके लिए कोई रिवार्ड या पनिशमेंट नहीं देता था, उसका नेचुरल इंटरेस्ट था। तो जब नेचुरल इंटरेस्ट है तो वही इंटरनल फोर्स इंजॉयमेंट उसको मिल रही है, जैसे पीछे आप बेबी देख के आए, तो ये हो गई आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन। मजा आ रहा है अभी उसको पेंटिंग में, मजा आ रहा है। दूसरी तरफ होमवर्क में मजा नहीं आ रहा। होमवर्क जो सोसाइटी है, उसकी मम्मी या पापा है, वो करवाना चाहते हैं, स्कूल का प्रेशर है, इन पर भी प्रेशर है। ओके, तो मिलके सभी ने प्रेशर लिया है ना, क्रिएट किया है। तो अब ये क्या करते हैं, ये ईशान को जहां तो कोई रिवार्ड, बेटा चॉकलेट मिलेगी, प्लीज आज कम कर ले, काम कर ले, एक दिन हो गया पहले दिन, अच्छा दूसरे नहीं किया, चलो दूसरे दिन पनिशमेंट दे दी, दूसरा दिन अच्छा बेटा कर ले, चॉकलेट दूंगी, ये दूंगी, प्लीज कर ले, तीसरे दिन, चौथे दिन फिर रिवार्ड या पनिशमेंट, पांचवें दिन फिर रिवार्ड या पनिशमेंट, छठवें दिन फिर रिवार्ड या पनिशमेंट। मैं ये ऐसे क्यों लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में है रिपीटेडली, बार बार बाहर से फोर्स लगानी पड़ रही है। बाहर से फोर्स जब भी लगती है उसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इट मींस एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कब यूज की जाती है, जब आपका उस काम में इंटरेस्ट नहीं है तो। तो इससे क्या होगा, बार 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 होमवर्क करने को कहा जाता है, तो होमवर्क तो पता नहीं वो कैसा करता है, लेकिन पेंटिंग में जो नेचुरल एक्टिविटी थी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जब उसमें शिफ्ट नहीं किया गया, ये इंजॉयमेंट भी धीरे 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 डिक्रीज हो गया। ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है उसमें, कि डिक्रीज इतना हो गया कि एक दिन आप इस सीन में देख सकते हो कि ईशान टोटल डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन के क्या साइन होते हैं, जब आपकी नेचुरल इंटरेस्ट की एक्टिविटी भी आप करना छोड़ देते हो, खाना पीना सोना तो बाद की बात है, वो भी सिम्टम है डिप्रेशन के। तो बच्चे ने सारे ड्राइंग कर रहे हैं, लेकिन क्लास में आमिर खान की क्लास है, फ्रीडम दी हुई है, लेकिन सिर्फ ईशान नहीं कर रहा। इट मींस उसका नेचुरल इंटरेस्ट भी खत्म कर दिया गया, इतना रिवार्ड और पनिशमेंट को यूज किया गया है, उसको बार बार इडियट, डफर बार बार कहा जाता है। इवन मदर से भी वो बात नहीं करता, जब फोन आता है रोता रहता है कि बार बार रिवार्ड या पनिशमेंट देने से एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इंक्रीज होगी ना, ये दोनों ही एक्सट्रिंसिक है, ये इंक्रीज होगी। इन्होंने क्या लिखा है, डिक्रीज, गलत हो गया। ठीक, दूसरा लिखा है रिवार्ड एंड पनिशमेंट बार बार देने से इंट्रिंसिक मोटिवेशन इंक्रीज होगी, कभी नहीं। जहां भी रिवार्ड एंड पनिशमेंट है वहां इंट्रिंसिक मोटिवेशन का कोई काम नहीं है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको वो एक्टिविटी के लिए सिर्फ फ्रीडम चाहिए, जब मिल जाती है आप करते हो। तो रिवार्ड एंड पनिशमेंट से इंट्रिंसिक मोटिवेशन डिक्रीज होती है, यहां क्या लिखा है, इंक्रीज। थर्ड क्या रिजल्ट आ सकता है, कहते वुड एनकरेज द चिल्ड्रन टू एक्वायर नॉलेज, कितना अच्छा चल रहा है स्टेटमेंट, एंड स्किल। रिवार्ड एंड पनिशमेंट बार बार दे के आप नॉलेज और स्किल डेवलप कर रहे हो फॉर देयर ओन डेवलपमेंट। एक बात याद रखनी है, मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि आपको नेचुरल इंटरेस्ट जिसमें है वो एक्टिविटीज दी जाए तो ज्यादा डेवलपमेंट होगी, जहां जिसमें नेचुरल इंटरेस्ट नहीं है उसको करवाया जाए रिवार्ड या पनिशमेंट देके तब डेवलपमेंट होगी। इसमें से आपने बताना है कि डेवलपमेंट इससे होगी, आज तक कितना सिलेबस याद है, जहां इससे होगी, जहां
जिस काम में आपको खुशी मिलती है वही आपको प्रोफेशन मिल जाए तो आपकी डेवलपमेंट होगी, जहां उल्टा फरहान को फोटोग्राफी से हटा के इंजीनियरिंग में रखा गया फिर उसकी डेवलपमेंट इंजीनियरिंग में हुई, जहां जब उसको आमिर खान लेटर पोस्ट कर देते हैं और वो फोटोग्राफी में जाता है फिर उसकी डेवलपमेंट और अचीवमेंट होती है। सिंपल है, जब भी आपका जिसमें नेचुरल इंटरेस्ट है अपनी लाइफ भी ऐसे जियो जिसमें आपका इंटरेस्ट है उस एक्टिविटी को, खास करके फीमेल दबने मत दो। इतनी मेरी स्टूडेंट्स है, किसी ने म्यूजिक खो दिया, किसी ने पेंटिंग खो दी, बिल्कुल जीरो मत करो अपने आप को, इतना मत दब जाओ इन मेल के आगे। अभी भी बेशक डेवलपमेंट हो चुकी है, अपने नेचुरल इंटरेस्ट को मरने मत दो। अपने को किल करके अपने रिश्तों को जिंदा नहीं रखना, अपने आप को भी जिंदा रखना है। ओके, तो बच्चे के लिए एक माँ ने, बाप ने, टीचर ने क्या सोचना है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? डेवलपमेंट तब होगी अगर नेचुरल इंटरेस्ट जिसमें था उसमें, पेंटिंग में था, जब आमिर खान ने यूज क्या किया कि उसका नेचुरल इंटरेस्ट, कहता उसको घर में जब जाके पता चलता है ईशान को पेंटिंग का शौक था, अच्छा तो फिर वो क्या करता है, पेंटिंग का एक ऐसा कंपटीशन ऑर्गेनाइज करता है जिसमें प्रिंसिपल तक, टीचर तक सब पार्टिसिपेट करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका नेचुरल इंटरेस्ट था, उसने स्किल आइडेंटिफाई कर ली थी, स्पेशल इंटेलिजेंस में ईशान कितना आगे था ड्राइंग में, तो वो उसमें हीरो उभर के आ गया। डेवलपमेंट कैसे नहीं हुई? डेवलपमेंट हो गई। जब सक्सेस मिलती है तो एक मजा आता है, तो एक मजा फिर वो काम करने को कहता है, तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन का चक्र है। तो फरहान की फोटोग्राफी में होगी, ऐसे ही आप अपने बच्चे का ढूंढिए कि जिसका उसमें नेचुरल इंटरेस्ट है। प्लीज मदर फादर, पैसा मत देखिए, वो नेचुरल इंटरेस्ट को किल मत कीजिए। ये फिल्में जो तारे जमी पर है, थ्री इडियट्स है, सीक्रेट सुपरस्टार है, एक फिल्म यहाँ दिखाई थी, ये दिखाओ अपने बच्चों को जो कॉलेज में है, ये रही सीक्रेट सुपरस्टार। तो फैमिली के कारण वो मतलब गा नहीं कर सकती, उसको मैथ पढ़ने के लिए कहा जाता है, ट्यूशन पढ़ाई जाती है, लेकिन मैथ वाले टीचर जब वो अखबार में पकड़ी होती है, पीछे इनकी फोटो छपी होती है, फोटो छपी होती है किस लिए, क्योंकि YouTube पर थोड़ा सा गाते हैं और बड़े पॉपुलर हो जाते हैं लेकिन सीक्रेट रहते हैं, अपनी आइडेंटिटी नहीं बताते। तो डेवलपमेंट किस में हुई? जिसमें उनका नेचुरल इंटरेस्ट था, सिंगिंग में था, तो सिंगिंग में इतनी पॉपुलर है, मैथ में ट्यूशन पढ़नी पड़ रही है, मैथ के लिए पनिशमेंट या रिवार्ड उनके फादर देते हैं। कैसे डेवलपमेंट पनिशमेंट और रिवार्ड से नहीं होगी, एक नई बात, बिल्कुल डिफरेंट बात। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को रिवार्ड या पनिशमेंट, यहां रिवार्ड एंड पनिशमेंट की इंपॉर्टेंस बताने लगा हूं, रिवार्ड या पनिशमेंट देके कोई एक्टिविटी करने के लिए कहा जाता है, ठीक। तो मेरा एक दोस्त था, वो उसके ब्रदर ने उसको ना पीट पीट के जिम में लेके जाना, बारहवीं की बात है, दसवीं बारहवीं की, तो बाद में उसका इंटरेस्ट वो फिजिकल एक्टिविटी में बन गया, मजा आने लगा, तो अब इंट्रेंसिक बन गई, तो उसमें उसने बॉडी बिल्डर ये वो बड़ी अचीवमेंट हासिल की। पहले शुरुआत में रिवार्ड एंड पनिशमेंट यूज की जा सकती है, लेकिन अगर रिवार्ड एंड पनिशमेंट के कन्वर्ट नहीं होती इंट्रेंसिक मोटिवेशन में, एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन अगर इंट्रेंसिक मोटिवेशन में कन्वर्ट नहीं होती तो इसको विदहोल्ड, खत्म कर देना चाहिए, ये नहीं यूज करने चाहिए। अगर उसकी डेवलपमेंट नेचुरल इंटरेस्ट उस एक्टिविटी में बन जाता है रिवार्ड एंड पनिशमेंट के बाद, तो आप यूज कर सकते हो, फिर आप एक्सट्रिंसिक में नहीं, आप उसको इंट्रिंसिक में ले गए। एक्चुअल एम ऑफ, वन ऑफ द एम ऑफ एजुकेशन ये भी है कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से यूज शुरू करके बाद में उसको इंट्रिंसिक में ले जाना। अगर ऐसी एजुकेशन है फिर कोई गिला शिकवा नहीं है। अगर दुख में ही रख के दसवीं तक आप होमवर्क दुखी ही करते रहे और बारहवीं तक, ग्रेजुएशन तक असाइनमेंट, वो बीएड की कॉपी काली, लेसन प्लान करते रहे, कुछ भी नहीं बीच में से निकल रहा, पेन भी खराब किया, स्याही भी खराब की, और वो अपनी कॉपीज भी खराब की और एनर्जी भी खराब की, तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं।
तो जिसमें नेचुरल इंटरेस्ट है वही एक्टिविटी अपने बच्चे को दीजिए, तभी डेवलपमेंट होगी, ये बात डिस्कस की है। तो लास्ट ऑप्शन है कि रिवार्ड एंड पनिशमेंट रिपीट करने से नेचुरल इंटरेस्ट और क्रियोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, जैसे कि ईशान के साथ हुआ, उसको होमवर्क के लिए, रीडिंग के लिए, कैलकुलेशन के लिए रिवार्ड एंड पनिशमेंट, इडियट, डफर बार बार बोला गया, वो डिप्रेशन में चला गया। तो आप अगर अच्छे पेरेंट्स, अच्छे टीचर बनना चाहते हैं, कभी भी बच्चे का नेचुरल इंटरेस्ट मत मारिए, इवन अपना भी मारिए, अपना भी ख्याल रखिए। आप इतनी फीमेल बीएड में इतनी स्टूडेंट्स है, किसी ने सिंगिंग अपनी किल कर ली, किसी ने पेंटिंग किल कर ली, अपने प्रेमी के कारण, अपने हस्बैंड के कारण, अपने फादर के कारण, अपनी फैमिली के कारण, मैं मतलब नाम ले सकता हूँ, सैकड़ों नाम ऐसे हैं। अपने इंटरेस्ट को किल मत कीजिए, कुर्बानी देनी है थोड़ी, एक लिमिट रखिए, उसके बाद अपने आप को जीने का आपको पूरा हक है। एजर्टिवली उनकी इज्जत, सम्मान, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पूरा इतना कर रहे हैं, तो सब कुछ करते हुए आप अपने आप को मारो मत। सो नेचुरल इंटरेस्ट में जीना सीखिए, अपनी खुशी को मारो मत, खुशी के बिना जीना कोई जीना नहीं है, सब दूसरे लोगों के लिए जीना ये मैं नहीं मानता। हाँ, इसकी इंटरप्रिटेशन बाकी बाद में करेंगे। थैंक यू।